नमस्कार दोस्तों, आईटीआई टेक्निकल गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं जगदीप आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया है, हम आज की वीडियो लेकर आए हैं अब की जो आई हुई तीन बेहतरीन आईटीआई वैकेंसीज की, जिसमें पहली है डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी कि DFCCL। ठीक है, ये वैकेंसी आई हुई है, ठीक है, जिसके फार्म 24/4/2021 से स्टार्ट है, लेकिन अभी इसकी जो लास्ट डेट थी वो 23/5 थी, लेकिन अभी इसकी बढ़ा के तारीख जुलाई की कर दी गई है। ठीक है, इसमें देखिए जो हमारी आईटीआई से संबंधित वैकेंसी है उसका जो लिंक है वो देखिए मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप नीचे आएंगे तो ये दिया गया है, देखिए ये वाला, ये हमारा आईटीआई से संबंधित है। ठीक है, अलग अलग दिया गया है, देखिए 135 पोस्ट है, जिसमें से 57 जर्नल की पोस्ट है, 22 एससी की पोस्ट है, एसटी की 11 हैं, ओबीसी नॉन क्रिमिनल की 14 हैं, ईडब्ल्यूएस की 11 हैं, पीडब्ल्यूबीईडी की 6 है और एक्स सर्विसमैन की 15 हैं। इसमें बताया गया है कि अगर आपको 10वीं में 60% मार्क्स हैं और आपने 2 ईयर का आईटीआई या अप्रेंटिसशिप का कोर्स कर रखा है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, NCVT या SCVT दोनों में से कोई भी हो सकती है और आपके मिनिमम 60% मार्क्स हो गए तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारी पहली वैकेंसी है, इसमें देखिए अलग अलग ट्रेड्स दी गई हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। नोटिफिकेशन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, जिनका दोनों का लिंक मैं नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए सभी का दिया हुआ है, ठीक है, और अभी ये वैकेंसी की डेट चली गई थी, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ कि 23/5 है, लेकिन अभी यह डेट बढ़कर हो गई है जुलाई की हो गई है, 23 जुलाई के लगभग है, 22 जुलाई या 23 जुलाई हो गई है, तो आप इसको फिल अप कर सकते हैं। एज लिमिट देख लीजिए, ठीक है, जूनियर एग्जीक्यूटिव 18 से 30 है एज लिमिट, यानी कि आईटीआई वाले 18 से 30, मिनिमम 18 और मैक्सिमम 30 वाला विद्यार्थी इस वैकेंसी को भर सकता है। ठीक है, आगे देख लीजिए, ये सब दिया गया है, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसमें इम्पोर्टेंट है जो, ठीक है, ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया गया है, जो भी जर्नल में हैं जिनकी कंडीशन वीक है, फाइनली कंडीशन वीक है, वो इसको भर सकते हैं। ठीक है, ये सारा यहाँ पे दिया गया है, इसको मैं ग्रुप में डाल दूँगा, आप वहाँ से इसको भर सकते हैं। अगर कोई सरकारी कर्मचारी फॉर्म भरता है तो उसको अपने डिपार्टमेंट से न्यू ड्यूज सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, ये दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेसर दिया गया है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, ये देखिए, ये देख लीजिए, 9वां नंबर है जो अपना इलेक्ट्रिकल्स का, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, इंटरव्यू नहीं होगा और मेडिकल होगा, यानी कि आपको एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करानी होगी और मेडिकल टेस्ट देना होगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आपने पेपर सभी पार कर लिए। ठीक है, तो ये है अपनी पहली वैकेंसी, अब अपने चलते हैं दूसरी वैकेंसी की तरफ। दूसरी वैकेंसी कौन सी है उसके बारे में जानते हैं, चलते हैं दूसरी वैकेंसी की तरफ। अब अपनी दूसरी वैकेंसी है, वो है PSPCL, यानी कि पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसकी जो लास्ट डेट है वो है 20/6/2021। ठीक है, ये याद रखिएगा और इसका भी मैं नोटिफिकेशन डाल दूंगा ग्रुप में, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसमें देखिए जो अपनी पोस्ट का नाम है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे है। ठीक है, ये देखिए टेक्निकल पोस्ट्स है, जिसमें अपनी टोटल पोस्ट है जर्नल के लिए वो 663 है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए 170 है, एससी के लिए 171 है। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ से दे सकते हो, बीसी यानी कि ओबीसी वालों के लिए 170 है। अगर आप अदर स्टेट्स से आते हैं और पंजाब में बदल जाते हैं तो आपके लिए 663 है। ठीक है, प्रोसेसिंग लेवल है, इसमें क्या क्या है, 5 साल का एक्सपीरियंस और मांगा हुआ है, आप इस नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और आप इसके लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया जॉब है। ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए वही NOC देनी पड़ेगी, तो ये आपका इसका मैं जो है नोटिफिकेशन ग्रुप में डाल दूंगा, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, टेक्निकल पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि असिस्टेंट लाइनमैन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, आपके पास क्या एजुकेशन होनी चाहिए ये देखिए यहाँ पे बताया गया है आपके लिए, या तो आपके पास
अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट हो, लाइनमैन ट्रेड, ठीक है, या फिर आप कैंडिडेट हायर एजुकेशन डिग्री, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल्स, नेशनल, मतलब आपके पास एनसीवीटी का, अगर आपके पास आईटीआई और प्लस 10वीं की हुई है तो आप इस पोस्ट को भर सकते हैं। और पे स्केल देख लीजिए, पे स्केल बहुत ही बढ़िया रहेगा इसका, ठीक है, यहाँ पे स्केल के बारे में बताया गया है, ठीक है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। नॉलेज ऑफ पंजाब के बारे में भी होना चाहिए आपको, ठीक है, आपके पास 10वीं में अगर पंजाबी है तो ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और एज की बात की जाए तो टोटल 18 से लेकर 37 ईयर्स वाले इस वैकेंसी को भर सकते हैं। और अगर आप शेड्यूल कास्ट हैं, ऐसी हैं, तो आपको 5 साल का छूट दी जाएगी, ठीक है, इसके अंदर, ठीक है। और इसमें बाकी कुछ नहीं है, आप वहां से देखिए कर लीजिएगा, ठीक है। और यहां पे जो पेपर होगा वो 100 नंबर का होगा, जिसमें 70 नंबर आपकी आईटीआई ट्रेड में से आएंगे, 10 नंबर का जनरल नॉलेज आएगा, 10 नंबर का रीजनिंग आएगा और 10 नंबर का ही इंग्लिश आएगा। तो आप इसको यहाँ से देख के नोटिफिकेशन आप ग्रुप से देकर कर सकते हैं। अब अपने चलते हैं तीसरी पोस्ट की तरफ, और तीसरी पोस्ट कौन सी है जानते हैं उसके बारे में। तो ये है अपनी तीसरी वैकेंसी, जो है पंजाब स्टेट ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। तो जो मैंने 5 साल वाला आपको बताया था वो 5 साल वाला इसमें है, इसमें 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, उसमें नहीं था। पे स्केल देख लीजिए आप, काफ़ी बढ़िया है, 7th पे कमीशन के तहत पे स्केल्स दी गई है, 150 सीटें हैं, असिस्टेंट सब स्टेशन अटेंडेंट की, जो इसमें आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये दिया गया है, देखिए यहाँ पे पंजाबी में भी दिया गया है, आप पंजाबी में भी पढ़ सकते हो, हिंदी में। नॉलेज ऑफ पंजाब का होना चाहिए आपको। एज लिमिट क्या है, 18 से 37 साल की एज लिमिट है, ठीक है, आप इसको अप्लाई कर सकते हो। 16 तारीख शायद तक इसकी लास्ट है, ऊपर दिया गया होगा, देख लेते हैं थोड़ा सा। हाँ जी, ये इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, आगे बढ़ा दी गई है इसकी डेट, ठीक है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। नॉलेज ऑफ एज 37 साल तक आप भर सकते हो, ठीक है। 10वीं में आपके पास पंजाबी होनी चाहिए, और वही सेम जो सभी में है वही इसी में है, आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। EWS के लिए भी छूट दी जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, 9 रिटन टेस्ट, इसमें कोई रिटन टेस्ट नहीं होगा, और आपको क्या किया जाएगा, मेरिट बेस पे लिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें मैं जो आपको बता रहा था कि 5 साल का एक्सपीरियंस है, वो पिछली पोस्ट में नहीं था, इस पोस्ट में 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। पिछली पोस्ट में मैंने आपको गलती से बता दिया था, तो आप इसका भी नोटिफिकेशन मैं डाल दूंगा ग्रुप में, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। 400 फीस रहेगी सभी के लिए, आप भर सकते हो, 400 रुपया फीस दे के इसका भी भर सकते हो। और अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, और अगर आप इससे अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपके पास आईटीआई और 10वीं है, बहुत ही बढ़िया जॉब है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैंने आपकी बताई गई तीनों पोस्टें गवर्नमेंट जॉब्स मैंने आज वीडियो में अच्छे से आपको बता दी गई, अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय, गुड नाइट।